आपके साथ हूं मैं राजदा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बगैर किसी लाग लपेट के बड़ी बात कह दी है। राज्यपाल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लोग इलेक्ट्रिकल वाहन की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे वक्त में नए आविष्कार बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वैज्ञानिकों को नए विकल्प और आविष्कार पर काम करने की जरूरत है। नए विकल्पों को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा कि कई बार अखबारों के माध्यम से ये पता चलता है कि एक सामान्य से मिस्त्री ने पानी से चलने वाले गाड़ी का आविष्कार कर दिया है। अगर एक सामान्य मिस्त्री ऐसा कर सकता है तो क्या वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकते? रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने CIMFR के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मैं जब मंत्री था तो मेरे पास खनन का भी प्रभार था। उस दौरान मैंने देश दुनिया के कई खनन क्षेत्रों का दौरा किया था, लेकिन कोयलांचल में पहली बार आया हूँ। उन्होंने कहा कि पहले तंत्र, फिर मंत्र और अब यंत्र दुनिया को आगे ले जा रहा है। रामायण काल की बात करें तो उस वक्त रावण के पास हवाई जहाज था जो मंत्र से चलता था। वर्तमान में भी हवाई जहाज है जो यंत्र से चलते हैं। महाभारत काल में संजय सब कुछ देखता था और अब हम टेलीविजन पर देखते हैं। वह मंत्र का वक्त था और यह तंत्र का जमाना है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कोयले का प्रचुर भंडार होने के बावजूद कोयला आयात करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में और शोध करें ताकि आयात करने की जरूरत ना पड़े और करोड़ों का राजस्व विदेशों को ना जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के वैज्ञानिक नए शोध और आविष्कार नहीं कर रहे हैं, पर उन आविष्कारों को पेटेंट या मान्यता नहीं मिल पा रही है। नए रिसर्च करें और उसे मान्यता दिलाने की भी कोशिश करें। इसके साथ ही सिम्फर की मदद से चेन्नई में विकसित संयंत्र का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। वैज्ञानिकों ने घरेलू कचरा के तरल पदार्थ से पोटाश निष्कासन के लिए पायलट संयंत्र तैयार किया है। इसकी स्थापना चेन्नई में हुई है। इस संयंत्र की सफलता के बाद देश के दूसरे शहरों में भी इसे विकसित किया जा सकता है। संस्था से सरकार को भी और देश को भी काफी अपेक्षाएं हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, जिसमें CSIR इनका भी भागीदारी होगा। वहीं सिम्फर के डायरेक्टर PK सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए संस्थान की अब तक की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही उन्होंने देश के विकास में आगे की योजनाओं की भी जानकारी दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत, हमारे अनुसंधान परिषद के सदस्य और अध्यक्ष, सारे लोग उपस्थित थे और हम लोगों को आगे 25 साल और फिर अगर 50 साल जब भारत 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनेगा तो सिम्फर का क्या योगदान होगा, इस पर हमने चर्चा किया और माननीय राज्यपाल महोदय का हमें आशीर्वाद मिला। प्लैटिनम जयंती वर्ष समापन समारोह के अवसर पर गुरुवार को खनन एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकियां विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा जिनमें जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का, सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, एक बड़ा कार्यक्रम सिम्फर का प्लैटिनम जुबली सालगिरह मनाई जा रही थी, राज्यपाल रमेश बैस वहां पर मौजूद थे और बहुत ही अहम बातें उन्होंने कही कि एक आम इंसान अच्छा आविष्कार कर सकता है तो हमारे वैज्ञानिक क्यों नहीं। जी देखिए, बिल्कुल, आज जिस तरह राज्यपाल सिम्फर के हीरक जयंती समारोह में यहाँ पर पहुँचे बतौर मुख्य अतिथि और जिस तरीके से
लोगों को उपस्थित, ना सिर्फ साइंटिस्ट को बल्कि आम लोगों को भी जो यहाँ उपस्थित थे सबको, जो आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री की सोच है उसको कैसे पूरा करें उस पर जो अपना फोकस दिया वो उसको लोगों ने अप्रिसिएट किया, उसको माना भी। चूँकि इस 75 साल का जो आज सिम्फर हो गया उसको लेकर जिस तरह की तैयारी सिम्फर प्रबंधन के द्वारा की गई थी वो पूरी तरह से आज स्टेज पे देखी गई। इसमें ना सिर्फ CSIR के DG उपस्थित थे बल्कि नीति आयोग के सदस्य और महान वैज्ञानिक देश के वो भी PK सारस्वत वो भी उपस्थित थे। दोनों क्या कहें, तमाम जो वक्ता थे सभी ने अपना आत्मनिर्भर भारत के पर अधिक फोकस दिया और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो उपलब्धियां हैं उसके लिए उसकी प्रशंसा की। तो कह सकते हैं ये जो सिम्फर जो देश का एकमात्र गौरव माना जा सकता है रिसर्च के क्षेत्र में और जिसने अब तक 600 से अधिक तकनीकियों के को दिया है और उसके लिए न सिर्फ देश की कंपनी देश की एजेंसियां बल्कि विदेशों में भी उसके तकनीक के आधार पर काम चल रहे हैं। वही जो इंडिया और चाइना बॉर्डर जो दुर्गम इलाका था वहां पे जो सड़क बनाने की जो तकनीक थी वो भी सिम्फर की ओर से दिया गया। तो एक अच्छा संस्थान जिसके लिए आज न सिर्फ गरिमामयी उपस्थिति गवर्नर की हुई बल्कि और अन्य जो उपस्थित जो अतिथि थे उनकी ओर से एक अच्छा पहल किया गया और इसके लिए सिम्फर के को बधाई दी गई। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो सिम्फर आज 75वां अपना वर्षगांठ मना रहा है और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।